शाक्स, गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, इस गर्मी से सबके हाल बेहाल हो जाता है। जब भी गर्मी बढ़ती है एक सॉल्यूशन जरूर सबके दिमाग में आता है, बस एसी चालू कर दो। क्या शाक्स, लेकिन आपको ये पता है कि ये एसी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बुरा है? ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ते ही जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में 16% एमिशन सिर्फ एयर कंडीशनर्स की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तो एक अलग ही कहानी है। हम सब तो भर ही रहे और आप भी भर रहे होंगे। इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा है एक मटके में। हम इंडियंस हजारों सालों से मिट्टी के मटके इस्तेमाल करके पानी को ठंडा रख रहे हैं। जब हम पानी ठंडा रख सकते हैं तो हवा को क्यों नहीं? इसी कॉन्सेप्ट से मैंने बनाया है कूलैंड। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं मोनीश और मैं कूलैंड का फाउंडर हूं। मैं खुद एक आर्किटेक्ट और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हूं। कूलैंड एक नेचुरल और बायोमिमेटिक कूलिंग सॉल्यूशन जिसे हम बिल्डिंग्स के फसाड्स यानी बाहरी दीवारों पर लगा सकते हैं, जो एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह ये काम करता है, जिसे हम बिल्डिंग्स में 30-70% तक एयर कंडीशनिंग लोड को कम कर सकते हैं, यानी 30-70% इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को हम कम कर सकते हैं। हम कूलैंड को घरों में, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में लगा सकते हैं और उनकी नीड्स और लोकल क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अभी तक हम 30 बिल्डिंग्स में इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। हम एक ऐसा टूल पे भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन टूल पे, जिससे कोई भी अपना बिल्डिंग का फसाड को लोकल क्लाइमेट, सन एंगल और नेचुरल वेंटिलेशन के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जितना भी बिल्डिंग्स बने एक क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बने और हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करें। ये सपना पूरा करने के लिए मेरा आस्क है 90 lakhs against 1%। So sharks, let's beat the heat with buildings that breathe. आपने मटकों के जरिए टेम्परेचर कंट्रोल और ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन खोज लिया है। ऐसी ही नायाब चीजों के लिए हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा। थोड़ा इस चीज के बारे में बताइए कि कैसे आपने सोचा ऐसा मटकों से टेम्परेचर कम किया जाए। मैं एक फैक्ट्री का डिजाइन कर रहा था जिसमें डीजी सेट, जो डीजल जनरेटर सेट होता है, उससे बहुत ज्यादा गर्म हवा निकलता है। तो उसमें मैं एज एन इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट उसमें काम कर रहा था। तो आई प्रोवाइडेड एन इंस्टॉलेशन जिसमें इंस्टेड ऑफ ट्राइंग एनीथिंग जो हल्का होता है, जैसे आपके एवेपोरेटिव कूलिंग पैड्स है, जो कसका जो बनते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में मैंने सोचा कि अगर इंस्टेड ऑफ दैट अगर टेराकोटा, जो बहुत ही रोबस्ट है और इसकी जो टेम्परेचर रेजिलियंस से अप टू 800 degrees, अगर ये यूज किया जाए तो वो जो गर्मी बाहर निकले उसको हम रोक सकते हैं और उसको हम ठंडा भी कर सकते हैं। कहाँ से किया आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई? मैंने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से किया। तो अच्छी स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। फिर आपने काम किया एज एन आर्किटेक्ट? यस। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 4 years आई वर्क्ड एज एन आर्किटेक्ट इन अ फर्म। और फिर अपनी प्रैक्टिस कब शुरू की? 2014 आफ्टर 4 years। इसकी पैदाइश कब हुई कूलैंड? In 2015, I had gone for PG diploma in robotic fabrication. उससे पहले ही मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया था in a factory. So I came back after 1.5 years and 2 years to see, was तब भी काम कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या इसको और लोगों को दिखाकर I can actually pitch for more work. रेगिस्तान में जो घर होते हैं हजारों साल से, उनमें भी कुछ ऐसी कूलिंग की कॉन्सेप्ट होती है ना? Absolutely. What is that exactly? और क्या इससे रिलेटेड है वो? जितना भी राजस्थान में जितना भी घर है, हवेलीज या फिर हमने फोर्ट्स में हमने देखा है, हवा महल बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। जितना भी जाले होते हैं तो काफी इंटेंस और छोटे छोटे पंक्चर्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपको लाइट को कम करे, हीट को, और हवा जो अंदर से पास होकर आते हो तो इट क्रिएट्स अ कंप्रेशन विच कैन हेल्प इन कूलिंग। और इसके अंदर हमने क्या किया, सेम टेक्नोलॉजी के साथ हमने इवेपोरेटिव कूलिंग ऐड किया, जिससे आपको शेडिंग मिल ही रहा है, साथ साथ आपको कूलिंग भी मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो कॉन्सेप्चुअली वही बात, एब्सोल्युटली सेम। ये जो सिस्टम्स है, दिस इज पैसिव डिजाइन। यू आर यूजिंग द बिल्डिंग आर्किटेक्चर, थर्मल कंफर्ट और एक कंफर्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। दिस इज हाउ बिल्डिंग शुड बी। तो आज एग्जिस्टिंग जो 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, आप उस पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। अभी भी ओल्ड फैशन घर टाइल्स के जो रूफ होते हैं, yes. वो भी इसी मटेरियल के होते हैं, राइट? फॉर द सेम रीजन। एब्सोल्युटली। आपका ये जो नाम है कूलैंड बड़ा सॉलिड है, पर आपने कूल एंट बोलते हो आप उसको? यस, कूल एंट। और वो एंट आपका मैस्कॉट है? एंट्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट क्रिएचर्स है एनवायरनमेंट में। अपना जितना भी जो एंट हिल्स बनते हैं ना, दे आर थर्मली सॉलिड, कूल होता है, आर्किटेक्चरल मार्वल है। एक्चुअली बहुत स्मार्ट चॉइस है, हां, एंड दे आर सिनोनिमस फॉर टीम वर्क एंड कलेक्टिव इंटेलिजेंस, स्पेशली टीम वर्क। तो बट आपके कोई बिल्डिंग्स का कोई एग्जांपल्स या कोई डिजाइंस कोई दिखाओगे कुछ है तो? यस, दिस इज अ बिल्डिंग, एक मॉडर्न बिल्डिंग है। ये ज्यादा आउटडोर के इंडोर है? दिस इज फॉर आउटडोर, मोर आउटडोर। यस, सो रेगुलर जो बिल्डिंग होता है आपका, इट इज मेड लाइक दिस, जिसमें एयर कंडीशनिंग या वेंटिलेशन के बारे में सोचते नहीं है। ये चार स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट, इट एक्ट्स एज अ शेडिंग डिवाइस। सेकेंडली, इसकी जो स्पेसिंग है, वी कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द सन एंगल एंड ओरिएंटेशन। एंड थर्ड, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज इवेपोरेटिव कूलिंग। इसके साथ अगर हम पानी ऐड करें, विच इज अ ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, जो भी हवा इसके अंदर से जाके बाहर निकलेगा तो ऑटो नेचुरली आपको ठंडा मिलेगा। एक बार पानी चला के दिखाएंगे कैसा इसमें रहता है? यस,
ये वाटर जब गिरता है इसके ऊपर, दिस गेट्स वेट एंड टेराकोटा पानी को अब्सॉर्ब करता है. सो वाटर को आपको रेगुलरली चलाने की जरूरत नहीं है. प्लस गीली मिट्टी की खुशबू आएगी. यस, वो तो आ ही रही है थोड़ी थोड़ी. ये आप मैनुअली मूव करेंगे कि ऑटोमेटिक? नो, ये क्लाइमेट और लोकल एंगल के हिसाब से एक बार सेट कर लेते हैं. एक बार सेट कर लेते हैं. एंड बट ये प्रोजेक्ट में क्लाइंट आल्सो वांटेड टू मूव इट. इट्स पॉसिबल, इट्स मोर एक्सपेंसिव. बिल्डिंग का फसाद ऐसे रहे? यस. आपके पास फोटोज भी है ना? और यस, दिखाइए. सो दिस इज सम वर्क दैट वी हैव डन इन द पास्ट एंड स्टूडियो. ये आपका खुद ही का स्टूडियो है? यस. कितना लोकल टेम्परेचर्स इन पीक समर्स एक्सीड 50 degrees. इससे हमने वी गॉट इट डाउन टू मिड 30s. बट आई कैन नॉट जनरलाइज दिस बिकॉज 40 से 25 तक नहीं ला सकता. 50 से इजीली आई कैन ब्रिंग इट डाउन टू 32-33. आपने अपनी पिच में क्लेम किया था कि 30-70% एनर्जी सेव हो सकती है ऐसे इंस्टॉलेशन लगा के. तो ये क्लेम आप कैसे वैलिडेट करते हैं और आपने कैसे इंश्योर किया है कि आपकी जो स्टडीज हो रही हैं वो यू नो ऑब्जेक्टिव स्टडीज है? सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस फॉर द लास्ट 3-4 years. एंड हमने एनर्जी मॉडलिंग किया है, सिमुलेशंस एंड आल्सो बिल्डिंग्स टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस. लीड का सारी बिल्डिंग्स को सर्टिफिकेशन मिलता है ग्रीन बिल्डिंग का? यस. Yes. आपको वो सर्टिफिकेशन मिला है कि आपका अगर प्रोडक्ट लगाएंगे तो ग्रीन? डज इट क्वालिफाई? करेंटली वी आर अंडरगोइंग लैब टेस्टिंग फॉर दिस. वी ऑलरेडी, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस राइट नाउ. जैसे वो टेस्ट का रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वी विल बी एनरोल्ड इन IGBC एज अ ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल. तो अभी तक वो नहीं मिला? अभी है. तक इट्स ऑनगोइंग राइट नाउ. आपने जो अभी 30 बिल्डिंग्स किए हैं, क्या वहां पे ये कमर्शियली प्रूवन है कि 30-70% का सेविंग आया है उन्हें? ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट दैट वी हैव डन फॉर आर्मी कमांडर्स मेस इन आर्मी. अच्छा. एक पूरा फ्लोर पे वी हैव इंस्टॉल्ड दिस इन अ स्पेस ऑफ 2500 स्क्वायर फीट जहां पर हमने इसको इंप्लीमेंट किया है. पूरा स्पेस को हमने थर्मल कंफर्ट एनालाइज करके वी हैड कन्वर्टेड दैट इनटू नेचुरल वेंटिलेशन. उसमें कोई एसी नहीं है. और ये ऑलरेडी उन्होंने देखा है कि जो एयर कंडीशनिंग का खर्चा था वो 30% से कम हो गया. 30% नहीं, लाइक 70%. इसमें आपका अपना क्या है? ये तो अगर जैसे आज टीवी पे आ गया, देख लिया, मिट्टी के जो बनाने वाले लोग हैं वो देख सकते हैं कि ये कैसे होता है. ये जो मिट्टी का जो पॉट्स है ना, ये हमारा सबसे पॉपुलर और बेस्ट प्रोडक्ट है. इसको हमने ओपन सोर्स कर दिया है. आई हैव शेयर्ड ऑल द मटेरियल ऑनलाइन क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको और लोकली बनाए और इसको कॉपी करें और इसको हर जगह पे यूज करें. अच्छा, तो मुनीश आप बिजनेस कैसे करोगे? जैसे आगे की अगर हम सोचें, yes. आप अपने बिजनेस को कैसे देखते हो? इज इट अ प्रोडक्ट और इज इट अ सर्विस? इट इज अ प्रोडक्ट. ओके, प्लस वी कैन आल्सो कंबाइन अ सर्विस विद इट एज अ टूल so that we can reach the masses. नहीं, आप कर सकते हो. मैं yes. ये सोच, फोकस क्या है? आप करना क्या चाहते हो? There are two things that are there in this. That installation, जो मिट्टी का जो बीच वाला पॉटर्स, बीच वाला जो है, जो मिट्टी का पॉटर्स बनाते हैं, लोकली बन सकता है ये चीज. हम चाहते हैं कि मैं, इट्स स्टुपिडिटी कि मैं दिल्ली में बनाऊं और उसको मैं पुणे भेजूं. ठीक है, इट डजंट मेक एनी सेंस. तो हमने क्या किया कि आपको इनको इन्फॉर्मेशन देके बोला कि आप बना दो, यू पे व्हाटएवर यू लाइक. ऐसा करते हुए हमने मेक्सिको में भी इसको बनाया. अच्छा, शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. ये आपने ओपन सोर्स कर दिया, हो गया वो? ठीक है, डन. सेकंड इंस्टॉलेशन है, दिस इज डेवलप्ड यूजिंग CFD एंड एरोडायनामिक. जिसका इसका जो शेप है, जो एरोफॉइल्स का, दिस इज नॉट समथिंग पीपल कैन कस्टमाइज. उसमें और इसमें फर्क ये है, उसके ऊपर पानी जो है ऊपर से गिर रहा है. एरोफॉइल्स में फर्क ये है कि पानी जो है इट्स इनसाइड द सिस्टम. इसके अंदर पानी जो, देयर इज अ कैप्सूल इन दिस जिसके अंदर पानी रहता है. Water is not flowing outside. और इसको रिवर्स इंजीनियर क्यों नहीं कर सकता है कोई? The manufacturing of this is very complicated. तो आप खुद manufacture करते हैं? Yes, we in this contract. तो your business model, just if I can summarize, आपको ये वाला foil वाला जो building envelope है, इसको modularize करके बेचना है. Exactly. Got it. Thank you. तो मोनीश, पहली बात तो आपकी पिच फिनोमिनल थी. आपने जो हुक डाला था पिच में नंबर्स वाला 30-70%, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर जो लोग आके पिच करते हैं क्योंकि इट इज क्लियरली अपनी प्रोडक्ट का USP नंबर के थ्रू एक्सप्रेस किया आपने. सेकंड, मुझे आपका आइडिया ऑफ ओपन सोर्सिंग, जो आपका मोस्ट अनप्रोडक्टिव बिजनेस लाइन है, बहुत अच्छा लगा. बिकॉज अगर आप अर्दीनेस को कूल बनाएंगे एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स में लोग ये लगाने लगेंगे तो आपका ही फ्यूचर बिजनेस जो है वो बढ़ेगा. कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. थैंक यू. मेरे लिए ये अभी इन्वेस्टेबल नहीं है बिकॉज ये जो कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस है इसमें आपका प्राइमरी लॉन्ग टर्म में बायर होगा बिल्डर, एंड वो बिल्डर सेलिंग वाली जो सेल्स फनल होती है उसमें 60-90 days की क्रेडिट साइकिल होती है, रिकवरी इश्यूज होते हैं एटलीस्ट इंडिया में. तो एज ऑफ नाउ वैसे बिजनेसेस में मैं इन्वेस्ट करने वाली रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ. तो आज मैं आपके साथ इसमें जुड़ नहीं पाऊंगी, बट लव द वर्क दैट यू डूइंग. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. थोड़ा बिजनेस समझे आपका? यस. ओके, व्हाट इज योर सेल्स दिस ईयर? सिंस अप्रैल वी हैव मेड अ बिजनेस ऑफ 1.1 crore का ग्रॉस रेवेन्यू. नेट रेवेन्यू?
84 lakhs. और कितना क्लोज करोगे आप? 2 crore. और उसमें प्रॉफिट कितना बनेगा आपका? राइट नाउ वी आर नॉट प्रॉफिटेबल. बर्न कितना इस साल का आपका एक्सपेक्टेड? अराउंड 20 लाख इज द बर्न रेट दैट गोस इनटू द सैलरीज एंड. कौन फाइनेंस कर रहा है इसको? Myself. I am an architect. I have an architecture practice. तो वो अलग फर्म है? Yes. और ये कंपनी अलग? Complete. और आप इन्वेस्टमेंट इसमें ले रहे हो? Yes. और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखो? अभी तो yes, definitely right. 90 करोड़ क्यों वैल्यूएशन मांगा है आप? 2 crore भी सेल्स नहीं है तो it doesn't match. So this, we have just started this year. With the sales. Usually sales ka 3 or 5 guna is the upper limit. We have about hundreds of inquiries which we are not able to fulfill right now. Order book hai aapke paas? Haan, aapne quantify kiya hoga na kitne crore ke inquiries hai. In the next 1 year around 2.8 ka already we have it on the table. See, I'll tell you kya issue hai. I'm out for 2 reasons. First reason I'm out is ye mujhe acha nahi laga ki aap 2 crore ka sales hai, 3 crore ka order book hai aapke paas. 5 crore best case scenario mein aap 90 crore valuation jab leke aate hai na, it's not a good feeling. Aapko to pata hai hum ek founder pe baithe hain. Aapki thinking hi itni illogical hai. No, so to that usse trust deficit ho jata hai. Secondly, ye open sourcing ke main khilaf hu because hamara jo ek pura thinking around scale hai स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी चेक्स. तो जब आप ओपन सोर्सिंग करते हैं तो वो लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी चेक्स पे मुझे भरोसा नहीं होता है. सो टुडे आई एम आउट बट आई विश यू द बेस्ट. मुझे क्या लग रहा है ना मुनीश, आपका एक प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना आगे के काफी अनप्रिडिक्टेबल है, तो कोई भी तरीके से इसको अंडरराइट करना बहुत मुश्किल है. अभी तक वो बात नहीं है कि आप मॉड्यूलराइज हो गए हो, सर्विस बिजनेसेस अदर आर्किटेक्चर फर्म्स आप पे ऑर्डर डाल रहे हैं और आप ऑर्डर बुक बना रहे हो, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको अंडरराइट करने के लिए. इस वजह से मैं आउट हूँ. लेकिन एक बात मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आई थिंक यू शुड मर्ज द आर्किटेक्चर फर्म और ये जो आपका अप्रोच है, दोनों को आप अगर अपनी पहचान बनाते हैं इस तरीके से, इस अप्रोच से, तो एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी. उससे आपको वो बिजनेस में ज्यादा काम मिल सकता है. लेकिन अगर आप अलग करना ही चाहते हैं तो इसको पहले थोड़ा स्केल लाइए इन प्रोडक्ट सेल्स ताकि एक प्रेडिक्टेबिलिटी आए एंड देन रेज कैपिटल. गुड लक. थैंक यू मुनीश भाई. अच्छा है, सही है, आप ये लगा दोगे हर जगह, ठंडा 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 कूल कूल जो बोलते हैं वो होता रहेगा हर जगह. अगर इससे इफेक्टिव होता है तो मैं अपने एडमिन टीम को जरूर बोलूंगा. हमारे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आते हैं, डर लगता है देख के, तो शायद कम हो जाए थोड़े से. बट मेरे को एक्साइटमेंट नहीं आई कैटेगरी में, अनफॉर्चुनेटली. तो मजा नहीं आएगा तो मैं आपके साथ काम ही नहीं कर पाऊंगा, वो सजेशन भी नहीं दे पाऊंगा. और 90 करोड़ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट. मिलते हैं दिल्ली में कभी. अगर आपने मुझे एज अ कस्टमर कन्विंस कर दिया तो एज एन इन्वेस्टर आप कन्विंस कर देंगे. तो थोड़ा सा आपके वापस से उसी आर्मी कमांडर्स की जो एकोमोडेशन का एरिया था उसी पे चलते हैं. कितना निवेश या इन्वेस्टमेंट लगा उस पे? 8 lakhs. और कितना उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल था? 3,000 to 4,000 rupees पर मंथ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है. तो साल का 36,000 बचा, यानी कि लगभग 25 साल लगेगा उनको अपना पे बैक करने के लिए. ये हमने बिल्डिंग फसाड में लगाया जिसमें जो ऑलरेडी, अगर ये नहीं होता तो कोई और फसाड इसमें लगता. द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ दिस अगेंस्ट रेगुलर फसाड इज 10 to 15%. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 8 lakh rupees की तरह नहीं लेना चाहिए उसे, उसे शायद 1.5 lakh के हिसाब से लेना. 1.5 lakh, बिकॉज कोई अगर ये फसाड नहीं होता तो कोई भी आप दूसरा फसाड उसको खाली नहीं छोड़ते. 5 साल इज अ लॉट मोर पैलेटेबल 25 साल से, पर मेरे हिसाब से 5 साल भी ज्यादा है. ये आप क्रैक कर सकते हैं. आपने जो शुरुआत करी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर मुझे लगता है इसके लिए आपको थोड़ी समय लगेगी. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज अ कस्टमर मैं बहुत इंटरेस्टेड था शुरुआत में, पर क्योंकि अभी कमर्शियल नहीं बैठा है तो मैं उस पर थोड़ा समय इंतजार करना चाहूंगा. आप जब आपका ठीक से पे बैक का कैलकुलेशन बन जाए, आप प्लीज वापस से मुझे रीच आउट करिएगा. हम लोग बिल्कुल आपसे मिलेंगे और इसको साथ काम करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑलराइट, गुड लक मुनीश. वेरी नाइस टू यू. गुड लक. थैंक यू.